एवरीवन, ओम साईराम। वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777। और मैं टैरो ट्रेडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ एक कलेक्टिव रीडिंग के साथ। या इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको छोड़कर के आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, जो भी आप जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हो या मैरिज में हो, तो आपके हस्बैंड आपको छोड़ दिए हैं, तो ऐसे में उनका क्या हाल है, कैसी उनकी एनर्जी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये कलेक्टिव मैसेज है और जो भी जिसको जो रेजोनेट हो उसे लीजिएगा, जिसको जो रेजोनेट ना हो प्लीज उसे छोड़ दीजिएगा। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। उस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स को कि उनके जो पार्टनर हैं उनको छोड़ करके, उनके साथ दगा कर करके, उनके साथ धोखा करने के बाद में उनका क्या हाल है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फोर ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मैसेज, वो मुझे सबसे पहला मैसेज जो दिखाई दिया है कि आपके पार्टनर की अभी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही बैंड बजी हुई है। उनकी लाइफ एकदम हेल होकर के रखी हुई है, उनके इमोशनल लेवल काफ़ी हिले हुए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हिले पड़े हैं, जहाँ वो खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीज़ें ने आदतें भी उन्होंने इस समय अपने अंदर ले ली हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी उसकी एंजाइटी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंजाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप अपने पार्टनर को सच्चे दिल से चाहते हो तो यस, उसके लिए आप उसके हीलिंग भेजिए, अपने रिश्ते को जितना हो सके अफर्मेशंस कीजिए, हीलिंग भेजिए, बट एंजाइटी मत करिए, क्योंकि जितना एंजाइटी आप बढ़ाओगे चीज़ें उतनी ही डिले हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि स्टक हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और उसकी एंजाइटी आप भी ले रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी थर्ड पार्टी के इश्यू भी रहे हैं, किसी किसी को मैसेज है थर्ड पार्टी के इश्यू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वहाँ से उन्हें धोखा मिलेगा या मिल गया होगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट इश्यू भी काफ़ी बन गया है। मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, और जो मैंने कही कि दुनिया हिली हुई है, किंग ऑफ सोर्ड, द लवर्स अगेन, एंड नाइट ऑफ पेंट्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड। तो सबसे बॉटम में देखिए, यहाँ पे मुझे फैंड्स का फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ फाइव ऑफ वैंड्स बता रहा है कि भाई आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, और जैसा उन्होंने आपके साथ धोखा दिया है वैसा ही धोखा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इश्यू भी किसी किसी के यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी इश्यू का लेकर के भी आए थे, और इसकी ये वजह थी कि आपके जो पार्टनर हैं जो थोड़े से चंचल हैं, उस चंचलता की वजह से कहीं एक चीज पर स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि धोखा देना उनकी फितरत में है। किन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कलेक्टिव में, किन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी धोखा देने की फितरत है, और कहीं ना कहीं अब उनको जैसा वो करते हैं वैसी ही उनको ईश्वर फल दे रहा है। अब उनकी दुनिया हिली पड़ी है। अभी तक उन्होंने मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि द एम्परर की एनर्जी, कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना वो अपने पैसों की धौस, अपनी पावर की धौस उनके ऊपर काफ़ी जमाते होंगे, बहुत ज़्यादा, कि तो तेरे बस की कुछ भी कमाना नहीं है, तेरे बस का कुछ करना नहीं, तू परिवार को नहीं संभाल सकती, तू बच्चे को नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट किया है आपको, और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं ये हैरेसमेंट की एनर्जी उनकी लाइफ में आ रही, क्योंकि जो उन्होंने अपने पार्टनर को चुना है वो उनको लगातार वैसे ही हैरेस किया करे जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो अब गिल्टी लेवल पर पहुँच गए हैं।
अब उनके अंदर गिल्टी भर गई है और यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड इस बात की फुकताल कर रही है कि भाई बहुत ही ज़्यादा गिल्टी में है। अब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई तुमने कैसे उसकी केयर की थी और कैसे उन्होंने आपके प्यार को, आपके रिस्पेक्ट को, आपकी लॉयल्टी की कोई भी परवाह नहीं की। नाइट ऑफ स्वैंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कुछ के मैसेज होंगे ये, किसी किसी के पार्टनर सेक्सुअली अब्यूसिंग भी हैं, सेक्सुअली अब्यूसिंग भी हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी बन गई है। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम बनी है और इसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे क्या करूँ, अपने आप को स्टकनेस में महसूस कर रहे हैं। और यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको छोड़ कर वो किसी के साथ में रिश्ते में बंध गए हैं तो वहाँ पे उनके रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ वेंड्स है और यहाँ पे टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई अगर उन्होंने आपको छोड़ करके, आपको तलाक दे करके या आपको ऐसे ही छोड़ करके किसी और के साथ शादी कर ली है, तो शादी के बाद में उनके भी रिश्ते में कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनकी भी लाइफ से सारी ब्लेसिंग चली गई हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज उनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशली इश्यू भी फ़र्क पड़े हैं। जहाँ आप उनके घर में आए थे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लेकर आए थे, धन की लक्ष्मी बनकर के आए थे, खूब बरसा बरसा के धन दिया था, वहीं अब मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसे उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी से, उनके घर से लक्ष्मी जी रूठ के कहीं ना कहीं दूर चली गई हैं और इस वजह से वो पैसों से भी बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं लोन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं, उन्होंने हो सकता है कि अपने लोकल से लोन लिया है, बैंक से मुझे लोन भी दिखाई दे रहे, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनके फंसे हुए हैं कहीं पर, शायद उन्होंने अपना घर गिरवी रख करके कहीं से लोन लिया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं परेशान किया है। कुछ लोगों ने आप, मुझे दिख रहा है कि आपको इसलिए भी हैरेस किया है कि जाइए अपने घर से पैसे लेकर आइए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं धनलक्ष्मी और भी ज़्यादा रूठ गई हैं कि बात बात पर तो अपनी पत्नी को मायके भेज रहा है कि पैसे लेके आ, पैसा लेकर आ, इतना अभिमान लो मैं तेरी लाइफ से जा रही। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ भी उनको वो सजा दे रही हैं जिसका उन्हें बहुत गुरूर था, जो पैसे को पकड़ कर चलते थे ना, पैसा ही उनसे दूर जा रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ में बहुत ही गलत और अभद्र बहुत ज़्यादा व्यवहार, गाली गलौज है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल अब्यूज़ है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका प्यार, रिश्ता, सेक्सुअलिटी, फिजिकल रिलेशन, ये सब चीज़ों से आपका विश्वास, मन, दोनों चीज़ें हट गई हैं। आप चाह कर भी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना, इन चीज़ों से आपका एकदम से कनेक्शन टूट गया है। किन्हीं लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके बच्चों के भी उनके पार्टनर ने परवाह नहीं की है, शायद उसके जन्म के बाद में जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी वही हैं हुई हैं, उसके लिए उन्होंने आपको या आपके बच्चे को भी जिम्मेदार माना है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने बच्चों को भी बहुत मिस कर रहे हैं और बच्चों के बिना वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। महत्वाकांक्षाएँ उनकी काफ़ी टूट गई हैं ज़िंदगी में, जो भी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी टूटी पड़ी हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो अपने डायरेक्शन को नहीं ढूंढ पा रहे कि वो जीवन में कहाँ बढ़े। कुछ चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे देखिए हैंड वैंड है, बहुत ही अपने आप को हैंड महसूस कर रहे हैं और जैसे मैंने बोला पैसा पकड़ के बैठे तो पैसा अब छूटता जा रहा है। अभी देखिए जीवन में डायरेक्शन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, द फुल की एनर्जी क्या है, जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, पैसा देखिए पकड़ के बैठे हैं, पैसा दूर जा रहा है, अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ जस्टिक, तो यहाँ पे जस्टिक जैसे को तैसा मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये देखिए टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, बच्चों को भी मिस कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आपको आ रही है, आपकी वैल्यू सारी समझ में आ रही है। और मेरी जान, थोड़ा समय आप रुक जाइए,
थोड़ा सा अपना इमोशन थोड़ा सा और कंट्रोल करिएगा, अभी उसके बातों में मत फंसिएगा, अपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखिएगा, बहुत जल्द वो आएगा आपके कदमों में, अपना सर रख करके, अपनी नाक रख करके, नाक रगड़ रगड़ के वो आपसे माफी मांगेगा और बहुत जल्द आएगा। मेरी जान, अगर आप कोई भी स्पेल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, तो यहाँ एंजेलिक चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, एंजेलिक स्पेल्स हो सकते हैं, एंजेलिक प्रेयर्स हो सकती, तो अगर ये आप कर रहे हो तो ये करते रहिएगा, इसको रोकिएगा नहीं, क्योंकि आप सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी बीच बीच में चले जाते हो, तो फंसिएगा नहीं कि इल्यूजन में कि मैं यहाँ पे इतना सब कुछ कर लिया हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छे के लिए उसके लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है। अगर आपको कभी कभी दुख भी लगे ना कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस दुख को ठीक है, प्यार करते हो आप तो उसके लिए अच्छा महसूस करते हो, तो आपको दुख होगा, लेकिन ये बात मान के रखिएगा जब इतना दुख उसको पड़ेगा तभी वो आपकी तरफ आएगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो वापस आएगा आपके पास। मुझे यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगले 2 साल के अंदर वो आपके पास वापस आएगा, किसी किसी के 3 महीने में ही वो वापस आ जाएगा, 3 से 6 महीने में, 3 से 6 महीने में, खास करके इसी सर्दियों में, जब भी आप रीडिंग ये देख रहे हो तब उसके बाद की जो सर्दियां हैं उसमें आपका पार्टनर वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपको रिस्पेक्ट के साथ अपने घर वापस लेके जाएगा, अपने बच्चों से प्यार करेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को भी लेके जाएगा। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, इसके जो बुरे हाल हैं, जो इसकी दुनिया हिली पिली पूरी हड़ी हिली पड़ी है और ये जो एकदम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं फिजिकल इश्यू भी हैं, बहुत बुरी आदतें भी लग गई हैं, शराब पीना ये कुछ और भी आदतें हो सकती हैं जो बुरी आदतें हैं, आपको देख करके अपने पार्टनर के बारे में देख करके बहुत दुख होगा, लेकिन अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, इमोशन में बहिएगा नहीं, क्योंकि यही चीज़ें जो कर रहा है उसी वजह से आपके पास वो वापस आएगा, इतना याद रखिएगा। और जस्टिक है आपके लिए, ठीक है, जस्टिक है आपके लिए, बस थोड़ा सा अपने आप पर ट्रस्ट बना के रखिए और ईश्वर पर विश्वास बना के रखिए, ठीक है। तो यस, ये मेरी कलेक्टिव रीडिंग थी, जिसको जो भी रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या आपको इस रीडिंग से आपको अपनी लाइफ में होप मिली है, ठीक है। तो यस, चलती हूँ मैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो तो प्लीज़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।